कमिश्नर भले ही शहर में फैल रही बदबू को अफवाह मान रहे हैं, लेकिन कलेक्टर लोकेश जाटव का मानना है कि शहर में बदबू तो आ रही है, ये अलग बात है कि बदबू अलग अलग इलाके से आ रही है। ट्रैफिक समस्या का दौरा करने निकले कलेक्टर जाटव से बदबू को लेकर सवाल किए तो उन्होंने ये बात मानी। कलेक्टर का कहना है प्रदूषण नियंत्रण केंद्र व नगर निगम की टीम जांच कर रही है, बदबू का समस्या तो है, कुछ जगह से बदबू आ रही है। जांच टीम का कहना है अलग अलग क्षेत्र में बदबू आ रही है, एक सप्ताह पहले जहाँ बदबू आ रही थी अब वहाँ न आते हुए दूसरे इलाके में आ रही है। टीम इसकी जाँच कर रही है और उम्मीद है जल्द कारण सामने आएगा। दौरे में निगम कमिश्नर भी मौजूद थे, लेकिन जब बदबू की बात आई तो वे थोड़ा आगे चले गए। कलेक्टर तो बदबू की बात मान रहे हैं, लेकिन महापौर मालिनी गौड़ व निगमायुक्त आशीष सिंह इसे अफवाह मान रही हैं। नहीं, कहीं किसी तरह की बदबू नहीं है। एक किसी ने हुमर चलाया अभी, कमिश्नर साहब और हम लोग पलासिया एरिया में जहाँ बता रहे थे कि खूब पिपलियाना चौराहे पे स्मेल आ रही, लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा तो कहीं कोई स्मेल नहीं थी। तो ये उमर फैलाया जा रहा अभी दो दिन तक। पहले तक बहुत ज्यादा कंक्लूसिव फाइंडिंग इसके नहीं थे, आज नए सिरे से टीम ने कुछ अपने तफ्तीश की है। शाम को उन्होंने मुझे कमेटी दी, शाम को मुझे ब्रीफ करेंगे, तो जैसे मेरे पास इनको बताया कुछ है या नहीं है सत्यता इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, ये भी बात सामने आ रही है। कुछ जगहों से स्मेल आ रही है और बट ये भी बताया है कि कुछ एरियाज में आ रही थी, वो एरियाज भी कई बार चेंज हुए हैं, कुछ नए एरियाज आए हैं जहाँ पे कुछ एक हफ्ते पहले आ रही थी वहाँ पे अब नहीं आ रही है। तो बट एक थोड़ा सा डायनेमिक ये सिचुएशन है और आज मैं वेट कर रहा हूँ कि साथ मुझे क्या रिपोर्ट होगी।